Top 20 News is brought to you by Aura Fine Jewelry. नमस्कार, स्वागत है आपका इनबी संदेश पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लग सकता है। विधायक जिशान सिद्दीकी और हीरामन खोसकर कांग्रेस छोड़ सकते हैं। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और हत्या को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ऐसे बीच पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली ने अपने एक्स यानी ट्विटर की डीपी ब्लैक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी है। पीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 80वीं जयंती पर कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वीर भूमि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंगलवार की सुबह मौसम खुशनुमा हो गया। कई इलाकों में हल्की बारिश हुई है। जम्मू कश्मीर में मंगलवार की सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। जानकारी के अनुसार बारामूला में सुबह 6:45 पर भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.9 मापी गई। पीएम मोदी 21 और 22 अगस्त को पोलैंड की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली पोलैंड यात्रा होगी। सुप्रीम कोर्ट कोलकाता के आर्चिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ रेप और हत्या मामले में स्वतः संज्ञान दिया है और इस मामले पर आज सुनवाई करेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली का दौरा कर सकते हैं। बीजेपी झारखंड प्रदेश कोर कमेटी की आज शाम को बैठक होगी। आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ वर्तमान राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। पिपरी चिंचवट में बीजेपी झंडा बुलंद करने वाले रवि लांडगे उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में शिवसेना यूपीटी में शामिल होंगे। उनकी गिनती बीजेपी के वफादार नेताओं में होती थी। महाराष्ट्र में आगामी चुनाव को लेकर संजय राउत ने दावा किया है कि बीजेपी चुनाव हार जाएगी। राउत ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम पर टिप्पणी को लेकर रामगिरी महाराज के खिलाफ नासिक, छत्रपति संभाजीनगर और मुंबई के पायधुनी के बाद अब बांद्रा के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज हुई है। रक्षाबंधन पर शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को पत्र लिखा, उसमें उन्होंने महिला और बाल अपराधों पर चिंता व्यक्त की है। मुंबई में अनुशक्ति नगर निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित जन सम्मान यात्रा कार्यक्रम में अजीत पवार ने नवाब मलिक की बेटी सना नवाब मलिक को NCP का प्रवक्ता नियुक्त किया है। शरद पवार की पार्टी के मुख्य प्रवक्ता महेश तपासे ने आरोप लगाया कि महायुति के घटक दलों के बीच कोई समन्वय नहीं है, एक दूसरे के प्रति कोई सम्मान नहीं है। MIM के महाराष्ट्र अध्यक्ष इम्तियाज जलील ने इंडिया गठबंधन से कहा कि मैं तो आपके साथ आने के लिए तैयार हूं, मैं तो आपके साथ लड़ने के लिए भी तैयार हूं। भारतीय शेयर बाजार का ड्रीम रन जारी है और शेयर बाजार में बढ़त बनी हुई है। IT शेयरों, मिड कैप, स्मॉल कैप और बैंक शेयरों में तेजी के सहारे स्टॉक मार्केट ऊपर चढ़कर कारोबार कर रहा है। रक्षाबंधन के खास मौके पर आमिर खान ने अपनी बहन निखत को राखी बांधी। उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बॉलीवुड एक्टर श्रेयस तड़पड़े की मौत की अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ी थी और परेशान एक्टर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए इनबी न्यूज़। नमस्कार।